हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम गुलदावदी, जिसे कुछ लोग सेवंती भी कहते हैं, इंग्लिश में क्राइसेंथेमम कहते हैं, उसकी कटिंग लगाएंगे और आपसे उसी का वीडियो शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, ये विंटर का गुलदावदी सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है, तो इसको हम कटिंग से ग्रो करते हैं। कई तरह से इसके जो है प्रोपोगेशन किया जाता है, मोस्टली हम लोग कटिंग ही लगा देते हैं। अगर इधर हम जुलाई अगस्त में लगा देंगे तो हमको उधर जाके अक्टूबर के लास्ट नवंबर से ही मुझे इसमें फ्लावरिंग मिलने लगेगी। और कटिंग से जो है प्रोपोगेट हुए प्लांट में बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग होती है। तो फ्रेंड, आज उसी की मैं कटिंग लेके और उसकी कटिंग लगाना आपसे शेयर करूंगी। पहले मैं कटिंग ले लेती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसकी चार चार इंच की कटिंग ले लेंगे और इनके जो है नीचे की पत्तियों को रिमूव कर देंगे। ये देखिए, हटा दिया है हमने। ऊपर मुश्किल से तीन चार पत्ती, आप दो तीन पत्ती ही रहने दें तो भी कोई हर्ज नहीं। इनकी इस तरह से इतनी चार चार इंच की, ज़्यादा से ज़्यादा आप चार इंच की लीजिए। और जो है ये देखिए, और खूब हेल्दी और बिल्कुल ऊपर की टिप के जो है को ही लीजिए, मुलायम जो इसकी ऊपर की ग्रोथ होती है उसी को लीजिए कटिंग लगाने के लिए। तो ये देखिए, इस तरह से इनकी पत्तियों को हम रिमूव कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखिए इस तरह से। और इसमें देखिए, हमारे कोई प्लांट लगा था, ये डलिया मेरी खाली है, इसी में मैं लगाऊंगी। तो आप एक लकड़ी ले लीजिए, उससे ऐसे होल बना लीजिए, लकड़ी से होल ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि अगर ऐसे ही हम उसको मिट्टी में धंसाएंगे तो उसकी जो है सेल्स वो डैमेज हो सकती हैं, तो उसको नुकसान पहुँच सकता है। इस तरह से हम होल बना लेंगे पहले और उसके बाद फिर कटिंग को लगाएंगे। ये देखिए, मैंने सारे होल बना लिए। अब जो होल मैंने बनाए थे उसी में हम इसको सेट करके और ऐसे ऐसे दबा देंगे। इस तरह से हम दबाते चले जाएंगे। इस तरह से मैंने किनारे किनारे लगा दिए। अब एक मैं जो है ये बीच में होल बना के बीच में लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से फ्रेंड मैंने लगा दिया है। मिट्टी गीली है तो इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि इधर दो तीन दिन से बहुत बारिश हो रही है, रात भर बारिश हुई है, मिट्टी खूब गीली है। इसको इस तरह से लगा के और मैं छाए वाली जगह रख दूंगी एक हफ्ता कम से कम। जब इसमें न्यू ग्रोथ हो जाएगी तब इसको हम बाहर रखेंगे, मौसम सही रहेगा तो। और अगर बहुत बारिश हो तो बाहर न रखिए, नहीं तो हमारी ये कटिंग जो है वो गल जाएगी और इसमें जो है जड़ें नहीं डेवलप्ड हो पाएंगी। इस तरह से फ्रेंड इसकी कटिंग आप लगाइए। मैं जो है मैंने थोड़ी कटिंग लगा रखी है, मैं अभी आपको उसे दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड, तीन दिन पहले मैंने ये कटिंग लगाई थी। ये देखिए, ये इसमें अभी मुझे कलर की पहचान नहीं है, कुछ कुछ पत्तियों से पहचान मिलती है कि ये येलो है, ये रेड है, ये वाइट है, लेकिन जब इसमें फ्लावर्स आएंगे तब जो है इसकी कलर पहचान आएगी कि क्या कौन सा है। तो फ्रेंड इसको जब हमारी इसमें खूब न्यू ग्रोथ हो जाएगी, ये मेरी चार इंच की कटिंग छः इंच सात इंच की हो जाएगी, तब हम इसको
इसमें खूब बढ़िया जड़ बन जाएगी। इसको निकाल के और गमले में शिफ्ट कर देंगे और इसको जो है फर्टिलाइज़र वगैरह देते रहेंगे तो ये मुझे अक्टूबर से फ्लावरिंग देने लगेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने अपना वीडियो शेयर किया कटिंग लगाने का। पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।